अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने निर्भया के दोषी के लिए माफी की बात कही तो कंगना पंगा लेने के मूड में आ गई। लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो, अपनी फिल्म पंगा रिलीज से ठीक पहले समाज में मची हलचल पर अपनी राय रखने के मामले में कंगना रनौत भी दीपिका पादुकोण की राह चल निकली हैं। कंगना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्भया के हथियारों को फांसी दिए जाने में हो रही देरी पर अपना गुस्सा जाहिर किया। कंगना रनौत ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह के बयान पर जमकर गुस्सा निकाला। लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो, उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है। कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं देशी दरिंदे। ये भी किसी के कोख से ही निकले हैं, उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है, जिनको सिंपैथी आती है, प्यार आता है इन पे, देशियों पे, खूनियों पे। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की तरफ से निर्भया केस में दोषियों को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है। दोस्त जो भी, एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं, जो रेप करता है, जो 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 कि रेप करने के काबिल है, वो कौन से उससे माइनर बनता है? वो कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं? जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं। ऊपर से ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, उनको वहाँ पे हैंग करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि क्या होता है रेप और क्या उसकी सज़ा होती है। और ये कोई इतने सालों बाद इतने सालों बाद वो माँ भी इतनी सफ़र कर रही हैं, उनके पिताजी इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में, उनका संघर्ष कर करके कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग, पैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कहाँ कहाँ जाएंगे वो, मतलब ये कैसा समाज है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चुपचाप मार देना चाहिए, तो ऐसे मारने का क्या फ़ायदा जब आप एग्जाम्पल ही सेट ना कर पाए। उन लोगों को चौराहे पे हैंग करना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए सबके सामने। दरअसल कुछ दिन पहले इंदिरा ने निर्भया की मां आशा देवी से अपील की थी कि उन्हें दोषियों को माफ कर देना चाहिए। जयसिंह के इस बयान पर निर्भया की मां भड़क गई थी। अब निर्भया की मां आशा देवी कंगना के सपोर्ट में आ गई है। मैं कंगना रनौत के बयान से सहमत हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम उन्होंने इस घिनौना सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि मैं भी बोली थी कि ये उनके माँ हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं किसी की तरह महान बनना नहीं चाहती हूँ, मैं एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बेटी के 7 साल पहले जान गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो मैं कंगना रनौत के बयान से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंदिरा जयसिंह ने मेरे से सवाल किया है, तो कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन राइट के नाम पे समाज को धोखा दे रहे हैं, बच्चियों के क्राइम जो हो रहा है उसके साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ह्यूमन राइट के नाम पे बिजनेस चलाते हैं और सिर्फ मुजरिमों को सपोर्ट करते हैं। कंगना की फिल्म पंगा 24 जनवरी को रिलीज हो रही है और इससे पहले कंगना रनौत अलग अलग मुद्दों पर कई लोगों से बढ़ चढ़कर पंगा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर9 टीवी।